बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां चचेरी बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर भाई की पीट पीट कर हत्या कर देने का आरोप है। वहीं हत्या के विरोध में लोगों ने जमकर हंगामा किया है। हालांकि पुलिस छेड़खानी की घटना से इनकार कर रही है। पुलिस की ओर से आपसी झगड़ा बताया जा रहा है, जिस वजह से इतनी हाथापाई हुई कि जान चली गई। फिलहाल पुलिस तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो ये प्रयागराज में मामला सामने आया है, भाई की पीट पीट कर हत्या। आरोप लग रहे हैं कि बहन के साथ छेड़खानी कर रहे थे, उसी का विरोध भाई ने किया और इसी वजह से भाई की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस इसे खारिज कर रही है। पुलिस कह रही है झगड़ा हुआ आपसी और इस वजह से ये हाथापाई हुई और हत्या हो गई। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त मौजूद है। मोहम्मद मोइन, बताइए जरा, अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से एक्शन क्या लिया गया है और जांच में अभी तक क्या तस्वीर साफ हो रही है, हत्या की वजह क्या थी? देखिए, जो पीड़ित परिवार है उसका साफ आरोप है कि छेड़खानी का विरोध करने पर छात्र की हत्या की गई। 10वीं का छात्र था, 16 साल की इसकी उम्र थी। जबकि पुलिस इस आरोप को सीधे तौर पर खारिज कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि स्कूल में विवाद हुआ था, स्कूल छूटने के बाद छात्र पर हमला किया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बहरहाल जो पीड़ित परिवार है उसने पुलिस में शिकायत कर दी है और डीसीपी यमुनानगर जो संतोष मीणा है, अब से कुछ देर पहले उन्होंने जानकारी दी है कि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। तीन आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और मौके पर रात के वक्त जो लैंड ऑर्डर की स्थिति थी, चक्का जाम, जो आरोपी हिरासत में लिए गए वो भी नाबालिग ही है क्या? देखिए, इनमें से जो तीन लोग हिरासत में लिए गए हैं उनमें से ज्यादातर लोग जो है नाबालिग हैं, क्योंकि छात्रों के बीच और कम उम्र के लड़कों के बीच का विवाद था तो वो भी नाबालिग हैं। इसी वजह से पुलिस ने अभी तक इनकी गिरफ्तारी शो नहीं की है। ये कहा है के लिए जैसे कोई और अपडेट होगा दर्शकों तक जरूर पहुँचाइएगा। आप पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।